सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी काले कानून एवं बढ़ती महंगाइयों के विरोध में जिला बैतूल कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव श्री सीपी मित्तल जी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे जी के नेतृत्व में किसान जागृति पद यात्रा निकाल कृषि विरोधी काले कानून एवं आमजन की रोजमर्रा की वस्तुओं पर बढ़ती महंगाई एवं अभिनेत्री कंगना द्वारा किसानों को आतंकवादी कहे जाने पर किए गए विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किए गए बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज एवं वाटर कैनन किए जाने एवं झूठे प्रकरण बनाए जाने पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। सारने से आशीष उगड़े की रिपोर्ट, आज की आवाज। हमारे बैतूल में पूरे जिले के कांग्रेसियों द्वारा जो किसान जागृति यात्रा निकाली गई और उसमें मेरे जिले के सभी जितने भी कांग्रेस के सम्मानित साथीगण हैं उनने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं ऐसे सभी साथियों को प्रणाम करता हूं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल जी का भी आभार करता हूं, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सुखदेव पांसे सहित कांग्रेस के उन तमाम नेताओं का मैं आभार करता हूं जिन्होंने आज पूरे कांग्रेस जनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो इस देश के अन्नदाताओं को परेशान करने का काम कर रही है और जिसकी गलत नीति के चलते तीन कानून काले कानून लागू यहाँ उन्होंने किए हैं जो किसान विरोधी हैं। और आप जैसा देख रहे हो कि आज भाजपा की नरेंद्र मोदी और शिवराज की सरकार हमारे डीजल महंगा कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दी है, रसोई गैस महंगी कर दी है, जिससे आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसे समय में मैं सभी कांग्रेस भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ने जो 20 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है, सभी साथी लोग मिलकर और व्यापारी लोग के सहयोग से, क्योंकि इस वक्त व्यापारी लोग भी बहुत परेशान है, GST जो इन्होंने लागू किया उसके कारण हमारे व्यापारी भी बहुत परेशान है, और विश्वास रखिए प्रेम पूर्वक व्यापारी लोगों से मिलकर और बैतूल जिले को बंद कराइए। और निश्चित ही हमें विश्वास है कि हम अगर आम लोगों के लिए ऐसे संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन से ऐसी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा और कांग्रेस की और कांग्रेस के सभी साथियों की जीत होगी, किसान भाइयों की जीत होगी, व्यापारी भाइयों की जीत होगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।